तो दोस्तों 108 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरे के साथ Redmi Note 9 Pro बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा और ऐसे में इस फोन के बारे में कुछ लीक्स स्पेसिफिकेशन सामने आया है 9tonmobile.com पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नोट सीरीज का नाम सुनते ही दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि भाई इस बार नोट 9 प्रो में क्या कुछ देखने को मिलेगा और कैसा होगा इस फोन की डिजाइन। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि इस फोन में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या होगा इस फोन की कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस और कितने प्राइस में कब तक लॉन्च होगा इंडिया में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फोन की डिजाइन से। तो बैक साइड में जैसे कि आजकल हर फोन में देखने को मिलते हैं पॉलीकार्बोनेट ग्लास का बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आता है और उसके साथ फोन की बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में बताया। फ्रंट साइड में 6.5 इंच का फुल व्यू फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा, क्योंकि डिस्प्ले में कोई भी नॉच नहीं है इसलिए शायद इस फोन में आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा। जी हाँ, इस बार ड्रॉप नॉच की जगह पॉपअप कैमरा मिलेगा एंड मोर देन डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस फोन की डिस्प्ले 99% ब्रेजिल लेस होगा और जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, इस फोन की बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा मिलेगा जिसका मेन सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग का GW1 सेंसर यूज किया गया है जिसका एपरेचर है f1.9 और उसके साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलेगा। न्यूज़ के हिसाब से Redmi Note 9 Pro की कैमरा में इस बार बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिलेगा जिसका एपरेचर है f2.2। और अब बात कर लेते इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में आपको 2.4 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा और जैसे कि Redmi के 20 Pro में देखने को मिला था Snapdragon 855 का प्रोसेसर, तो इस फोन में भी देखने को मिलेगा Snapdragon 855 का प्रोसेसर। भाई देखो Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 ये दोनों फोन अलग है, तो दोनों फोन में अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, पर ये तो कन्फर्म है कि Redmi Note 9 Pro में Snapdragon 855 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन जो Redmi Note 9 है उसमें शायद से Snapdragon 730 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा जो कि 30W का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और उसके साथ Type-C 4, 3.5mm का ऑडियो जैक, ये सब कन्फर्म है। दोस्तों ये फोन कई वेरिएंट में लॉन्च होगा, जैसे कि Redmi Note 9 Pro का 2 वेरिएंट होगा और Redmi Note 9 का 2 वेरिएंट होगा, जिसमें आपको 6GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और 8GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन यार लाइक नहीं करते, प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। और आप बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में और लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो 17 से 18 हज़ार रेंज के अंदर ही मिल जाता है Snapdragon 855 का प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, 4000 mAh की बैटरी और सेल्फी के लिए पॉपअप कैमरा। और आप बात कर लेते हैं इस फोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो दोस्तों ये फोन शायद से 2020 की स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनते हैं, आप लोगों का एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो प्लीज़ यार एक एक लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।